जो स्पीशीज मनुष्य जीवन है इसमें पर्याप्त बुद्धि दिया गया है इस बात को समझने के लिए कि कब तक हम ये जो है वो टेम्पररी चीजों को स्वीकार करते रहेंगे, है ना। जो भी है अपना होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, एक्चुअली हम भी यही चाहते हैं। मान लीजिए किसी का किराए का घर हो, वो चाहता है कि नहीं अपना घर हो, परमानेंट घर हो, हर व्यक्ति ये चाहता है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, फिर छोड़ देता है, नौकरी करना छोड़ता है, वो चाहता है कि या तो अपना बिजनेस हो या तो फिर सरकारी नौकरी हो, है ना। ऐसा एक कहावत है कि जो है वो अगर कोई बिजनेस करता है तो अपना कुछ बिजनेस करना चाहिए। ऐसे बताते कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको अपने बाप का बिजनेस करना चाहिए, मतलब जो खानदानी बिजनेस, ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके, और ऐसा एक ये बताते हैं। और अगर नौकरी करना है तो सरकार का नौकरी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ज्यादा छेड़ती नहीं, बाहर लोग बहुत काम ले लेंगे। एनीवे, जो भी हो, तो कहने का हम भी तो परमानेंट डेजिग्नेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं ये जो वैदिक आदेश है कि एक्चुअली ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही परमानेंट नहीं है ना। तो इसीलिए आपको जो है जब हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और फिर हम उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। तब अभी तो हमको पता चला, तब हमको इसकी अनुभूति होती है कि अच्छा ये एक्चुअल शरीर नहीं था, एक्चुअल शरीर तो कुछ और है। आप समझ गए, जो कि आध्यात्मिक है, जो कि कभी मृत्यु नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होते। इस विधि को क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन।